Hello learners, in this video we will talk about the urea cycle. So, urea cycle की अगर हम बात करते हैं तो इसे सबसे पहले हैंस क्रेब और कर्ट हैंसलेट इन्होंने आउटलाइन किया था 1932 में, और इसलिए ये पहली ऐसी मेटाबॉलिक साइकिल है जिसे स्टडी किया गया था. अगर हम साइट्रिक एसिड साइकिल की बात करते हैं तो ये 1937 में आई थी, जो कि क्रेब ने ही दी थी. सो इंडिविजुअल रिएक्शंस जो है यूरिया साइकिल की, ये सारा रैटनर और फिलिप्स कोहेन ने स्टडी की है. सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब में जो एक्सेस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो कि मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन की वजह से अराइज होता है, ये तीन तरीके से एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है: अमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में. सो अमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो एनर्जी जो है एक्सक्रीट आउट करने के लिए, ये कम अमाउंट में लगती है, लेकिन वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर का जो अमाउंट है, ये बहुत ज़्यादा होता है. और इसलिए ये स्पेशली ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जो एक्वाटिक हो. जिस तरीके से अगर हम इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्निडारिया और प्लैटीहेलमिंथस, क्रस्टेशियंस, इकाइनोडर्म्स, इस तरह के इनवर्टिब्रेट्स में ये अमोनिया जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, सॉरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है. और जो फ्रेश वाटर फिशेज होती है या फिर जो लार्वीज जो होती है एम्फीबियंस की, जिसे हम टैडपोल कहते हैं, इनमें भी अमोनिया जो है एक्सक्रीट आउट होता है. इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को अमोनोटेलिक कहा जाता है. नाउ जिनमें यूरिया होता है, यूरिया के केस में जो एनर्जी जो है ये अमोनिया के कंपैरिजन में ज़्यादा लगती है, लेकिन वाटर जो है ये मॉडरेट अमाउंट में चाहिए होता है, उतना ज़्यादा भी नहीं, एकदम कम भी नहीं. तो ये जो है ये कुछ बोनी फिशेस में पाया जाता है इस तरीके से. इसी तरीके से ये एडल्ट एम्फीबियंस में भी मिलता है, कार्टिलेजिनस फिशेस में भी ये पाया जाता है, और मैमल्स में, स्पेशली ह्यूमन बींग्स जो है वो यूरियोटेलिक है. ओके, तो यूरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो इसे एक्सक्रीट आउट करने के लिए एनर्जी जो है ये बहुत ज़्यादा लगती है, वाटर ना के बराबर लगता है, बहुत ही कम अमाउंट में या फिर निग्लिजिबल अमाउंट में लगता है. तो जितने भी टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं इन सब में यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है. ऑलमोस्ट ऑल रेप्टाइल्स में ये पाया जाता है यूरिक एसिड. उसके साथ साथ एव्स जो है वो एग लिंग होने की वजह से उनके लिए ये खास अडेप्टेशन है कि उनमें ये यूरिक एसिड सीक्रेट होता है, क्योंकि एग जब एम्ब्रियो एग में डेवलप होता है तो वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी जो है ये बहुत ही कम होती है. तो उनके लिए ये कुछ यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करना ये बहुत ही मेटाबॉलिक के लिए फ़ायदेमंद होता है, और इसलिए एव्स में जो है वो यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है. रेप्टाइल्स भी एग लेइंग होते हैं, और जैसे टर्टल है, टर्टल जैसे यहाँ पर लिखा है ऑलमोस्ट ऑल रेप्टाइल बट नॉट ऑल रेप्टाइल्स, क्योंकि कुछ रेप्टाइल्स जो है वो एक्सेप्शन है. जैसे अगर हम टर्टल की बात करते हैं तो वो जो होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, और इसलिए सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते ही है. ओके, तो अब हम मेन यूरिया साइकिल की बात करते हैं. तो यूरिया साइकिल कैटालाइज करने के लिए ये पांच एंजाइम मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि मैं साइकिल बताते समय ही आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो जो सबसे पहला एंजाइम है वो है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटिस 1, इसे CPS1 कहा जाता है. तो ये रिएक्शन कैसी होती है ये हम साइकिल में ही बात करेंगे, और उसी वक्त हम एंजाइम्स के बारे में भी स्टडी करेंगे. तो जो सबसे पहली रिएक्शन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में कैरी आउट की जाती है. तो जो पहली रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए जो एंजाइम लगता है वो है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटिस 1, इसे CPS1 कहा जाता है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर HCO3 जिसे कार्बोनेट आयन कहा जाता है, ये लगता है बाइकार्बोनेट आयन, और इसी के साथ साथ हमें अमोनिया लगेगा. दो ATP मॉलिक्यूल्स लगेंगे, तो इनका ये कंडेंसेशन करवाता है CPS1. तो ये जो अमोनिया है ये कहाँ से आता है, ये अमोनिया ग्लूटामेट का डीअमाइनेशन करने के बाद यहाँ पर अवेलेबल होता है. तो ये जो डीअमाइनेशन वाली जो चीज़ है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में दी है, जिसने भी नहीं देखा होगा वो प्लीज़ वहाँ पर देख लो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डीअमाइनेशन क्या होता है. तो ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया अवेलेबल होने के बाद ये CPS क्या करता है, बेसिकली इट कैटलाइज द कंडेंसेशन एज वेल एज द एक्टिवेशन ऑफ अमोनिया एंड HCO3 टू फॉर्म कार्बामोइल फॉस्फेट. तो ये कार्बामोइल फॉस्फेट बनाने के लिए ये CPS1 जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है. तो
तो ये कार्बामाइल फॉस्फेट ध्यान रखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है, ये साइटोप्लाज्म में नहीं बन रहा है। और जो यूरिया साइकिल जो है, ये यूरिया साइकिल लीवर की सेल्स में होती है, हिपेटोसाइट्स में होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हमें 2 ATP लग रहे हैं, ओके, एक्टिवेशन करने के लिए, इस रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, ओके। तो इसके बाद जो दूसरी रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जो ऑर्निथाइन है ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में इम्पोर्ट किया जाता है, और ऑर्निथाइन और कार्बामाइल फॉस्फेट इससे सिट्रुलिन बनाया जाता है, ओके। तो यहाँ पर जो रिएक्शन जो है, ये ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बामाइलेज कैटलाइज कर रहा है, और ये करता क्या है, ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये कार्बामाइल फॉस्फेट से कार्बामाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है, ओके, ऑर्निथाइन पर, और इससे सिट्रुलिन बनता है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्निथाइन और सिट्रुलिन, ये दोनों जो कंपाउंड है, ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, ओके। तो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड क्या होते हैं, ये ऐसे अमाइनो एसिड है जो यूजुअली प्रोटीन्स में नहीं पाए जाते, ओके। तो एक बार अगर ये सिट्रुलिन बन गया, तो सिट्रुलिन ध्यान में रखिए ऑर्निथाइन साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र किया जाता है, और जो सिट्रुलिन है ये माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, और यहाँ पर ये इसकी तीसरी रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो सिट्रुलिन एक बार अगर साइटोप्लाज्म में आता है, तो साइट्रुलिन से आर्जिनोसक्सिनेट बनता है, ओके। तो यहाँ पर ये आर्जिनोसक्सिनेट जो है, ये आर्जिनोसक्सिनेट बनने के लिए आपको एक एंजाइम लगेगा जिसका नाम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस, ओके। तो यहाँ पर ATP का यूज़ होता है। अब ATP जो यूज़ हो रही है, ये नोट करने लायक बात है कि ATP का कन्वर्शन ADP में नहीं हो रहा है, बल्कि AMP में हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर 2 ATP इक्विवेलेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जो ATP है ये 2 बार हाइड्रोलाइज हो रही है, इसलिए यहाँ पर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, ओके। अब इस रिएक्शन की स्टेप में, इस पाथवे में सेकंड अमोनिया इंट्रोड्यूस हो रहा है एस्पार्टेट से। तो जो यूरिया का जो पहला अमोनिया है ये ग्लूटामेट से आया था, और जो सेकंड अमोनिया जो है वो है एस्पार्टेट से। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, यूरिया में 2 अमीनो ग्रुप होते हैं, तो जो पहला जो अमोनिया है वो ग्लूटामेट डोनेट कर रहा है, और जो दूसरा जो अमोनिया है वो एस्पार्टेट से आता है, ओके। तो ये जो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटिस ये जो है, ये क्या करता है, ये कंडेंसेशन करता है सिट्रुलिन का। सिट्रुलिन का जो यूरिडियो ग्रुप जो होता है, वो यूरिडियो ग्रुप का जो कंडेंसेशन है वो इसके एस्पार्टेट के अमीनो ग्रुप के साथ करता है, और इस वजह से यहाँ पर हमें आर्जिनोसक्सिनेट मिलता है, ओके। तो यूरिडियो ग्रुप ऑफ सिट्रुलिन कंडेंस विद दी अमोनिया फ्रॉम द एस्पार्टेट एंड आर्जिनोसक्सिनेट इज फॉर्म, ओके। तो इस तरीके से ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब जो आर्जिनोसक्सिनेट बना है, इसका कन्वर्शन आर्जिनिन में होता है, और इसके लिए जो एंजाइम लगता है वो है आर्जिनोसक्सिनेज। तो यहाँ पर फ्यूमैरेट जो है वो रिलीज़ हो रहा है। तो ये जो फ्यूमैरेट है, ये फ्यूमैरेट आगे क्रेब साइकिल में एंटर करता है, और यहाँ से क्रेब साइकिल में एंटर करने के बाद जो भी क्रेब साइकिल की जो इंटरमीडिएट है, जैसे ऑक्सल एसिटेट, इससे ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये कैरी आउट किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो आर्जिनिन बना है, ये आर्जिनिन एक तरह का इमीडिएट प्रिकर्सर है यूरिया के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जो आर्जिनिन है इसका कन्वर्शन ऑर्निथाइन में होगा, और यहाँ पर आर्जिनेज एंजाइम की हेल्प से ये जो आर्जिनिन है इसका हाइड्रोलाइसिस कराएगा, और यहाँ पर ये यूरिया जनरेट कर देगा। अब यहाँ पर ये जो ऑर्निथाइन रीजनरेट हुआ है, ये फिर से अगली यूरिया साइकिल में इसे फिर से यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया जाएगा, और ये जो यूरिया साइकिल है ये इसी तरीके से चलती रहेगी। तो ये जो यूरिया है, इस यूरिया को लीवर से किडनी में, लीवर से सबसे पहले सर्कुलेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है, और सर्कुलेशन से फिर ये किडनी में जाता है, जहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू इसे बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो आई होप आपको ये साइकिल समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।